नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर लाइव सेशन में। वेलकम टू दिस सेशन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अथर्व, अमन, आरजे गेमिंग, आकृषि, सत्यरंजन साहू, कहां थे भाई साहब, मानव प्रिंस एंड मेनी अदर्स। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फटाफट से चैट में बताएंगे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं? जस्ट लेट मी नो दिस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं? और अगर दिखाई सुनाई दे रहा हूं तो फिर शुरू करते हैं। आज हमारे पास में चैप्टर है क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर। चैप्टर का नाम फेडरलिज्म। नहीं चलोगे? नाराज हो? ठीक है, अभी मना लेते हैं, रुको। तो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म चैप्टर क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 2। अगेन आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, अलग सर यही तो आपका खेल है, हर चैप्टर में बोलते तो मोस्ट इंटरेस्टिंग। सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग होते हैं क्या? जी हाँ, होते हैं, अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए तो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आज पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ चुके हैं रिकॉल करते चलना, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है चैप्टर में पूरा डब्बा गोल है, तो वो सारे बच्चे कनेक्ट करते चलना, पूरा चैप्टर अच्छे से समझा भी दूंगा मैं। ठीक है, इसी नोट पे शुरू करते हैं फेडरलिज्म। गॉट इट? मैं वही तो सोचू, ड्राई पे चल रहा है वो। ठीक है, ओके। और जो बच्चे ढेर सारी बधाइयां पहुंचा रहे हैं ट्रक भर के, थैंक्स अ लॉट। तुम हो तो मैं हूं, तुम हो तो वो सारे चैनल हैं, तो इस कारण से क्या है, सेम टू यू, अगेन टू यू, रिटर्न टू यू टाइप से कहानी। तो वी फाइनली मेड इट, 100K हो गए हमारे द सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पर। और अब अगला माइलस्टोन हमें इस चैनल पे, जिस पे भी आप लाइव देख रहे हो, 500K अगला माइलस्टोन रहेगा। 500K पे इस चैनल को पहुंचाना है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कब तक हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 500K होगा ये जरूर पता है मुझे, और बहुत जल्दी होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत सारा शुक्रिया। जितनी सारी ट्रक भर के बधाइयां और उतनी सारी शुक्रिया। ठीक है, चलिए शुरू करें। ऑल सेट, सारे बच्चे आ भी गए, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ। वन शॉट रिवीजन में आज हम फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो राम राम भाई सारिया ने, आज हम हमारे 10 days चैलेंज के डे नंबर 7 पर आ गए हैं। 3 और बचे बस, 10 चैप्टर, आधा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगले 3 दिन में। तो फेडरलिज्म चैप्टर जो है हमारा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले 8:45 पे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ेंगे क्लास 9, बी प्रिपेयर्ड। तो अगर हम शुरू करें यहां से, तो इंट्रोडक्शन की बात की जाए, चैप्टर है क्या फेडरलिज्म चैप्टर जो है, इसका एक बोलते ना टीजर जो है, वो आपने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में देख लिया था। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, उन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है, तो जब डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर होती है तो उसे फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। और वो जो फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, वही पूरा का पूरा एक चैप्टर बन के आया है। तो फेडरलिज्म क्या है, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, अलग अलग तरह के फेडरेशन होते हैं कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, वो, और उसके बाद में पूरा चैप्टर 3 टायर्स पे है। फेडरलिज्म क्या है, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग टू और मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो वही आप जैसे देख रहे हैं तो मल्टीपल टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वैसे ही मल्टीपल टायर्स यहां पे भी है चैप्टर के। मात्र आपको 3 ब्रॉड टॉपिक देखना है। आप पहले, मतलब ऐसे टॉपिक तो बहुत सारे, लेकिन हम उसको 3 में अपन वो कर देते हैं कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे फेडरलिज्म होता क्या है, उसके फीचर्स, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स। अब फिर आपको देखना क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो देखेंगे कि जो फीचर है वो इंडिया में मैच हो रहे हैं क्या। अब इंडिया अगर एक फेडरल कंट्री बन गया तो सिर्फ फीचर्स से काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ गाड़ी खड़ी कर लेने से आप ड्राइवर थोड़ी ना बन जाओगे, सीखना पड़ेगी। तो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है, तो इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती है,
इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और उसके बाद में इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है वो दूसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया गया 1990s के बाद में लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट क्या है वो। तो ये थी हमारे चैप्टर की डैश, क्या ये थी हमारे चैप्टर की रूपरेखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पोल, पोल, ठीक है, पोल देखो जरा फटाफट से। सिल्वर प्ले बटन का कोड आ गया क्या, कब ऑर्डर कर रहे हैं? सिल्वर प्ले बटन बहुत जल्दी ऑर्डर करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। ऑर्डर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो आ जाए टाइम से। तो ये मेरा प्रॉमिस क्या कि सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग पे एक बढ़िया सा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक है। एज ऑलवेज ये ऐसे तो कितने ही बटन खोल दिए होते लेकिन अपना अपना होता है। तो ये सेकेंड एक दिगराज सिंह राजपूत का सिल्वर प्ले बटन आ गया, अब ये दूसरा हमारा इस चैनल का सिल्वर प्ले बटन, ठीक है। फटाफट देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। फेडरेशन हैज ओनली टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और द स्टेट दैट लुक्स मच आफ्टर टू द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। तो द राइट आंसर फटाफट से लगाओ, मैं तो दे दिया अपना आंसर फटाफट। 1200 बच्चे के अराउंड बच्चे हैं और वोट अभी तक 600-700 नहीं दिए, वोट दो जरा, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करो, तुम्हारे पास वोटिंग ऑप्शन है, फाइन। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो द राइट आंसर इज बी, फेडरेशन हैज ओनली टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ना जी ना, क्या कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन ही ये बताती है कि एक फेडरल कंट्री क्या होती है जिसमें टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। टू तो मिनिमम है, टू से ज्यादा भी होगा तो भी बढ़िया है, टू से ज्यादा भी होगा तो भी बढ़िया है, समझ गए? Got it? B is the right answer. चलो इसी नोट पे शुरू करते हैं फेडरलिज्म को। क्या है? तो सबसे पहले फीचर अगर मतलब फेडरलिज्म का मीनिंग समझे तो मीनिंग ये है कि बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल से रिकॉल करो जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि बेल्जियम एक फेडरल कंट्री नहीं है, सॉरी बेल्जियम एक फेडरल कंट्री था और श्रीलंका एक फेडरल कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में पावर शेयर करी, हमने देखा कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चार बार अमेंडमेंट किए, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर शेयर होगी, स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट, दे हैव देयर ओन एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन, ठीक है। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में लताड़ लगाई और उन्होंने क्या कर दिया कि सब सिनालास के अंडर में ही रहेंगे, कोई पावर आवर शेयरिंग नहीं होगी, पिटाई हो जाएगी। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरलिज्म। तो वही सिंपल चीज है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो वो टू और मोर देन टू भी हो सकते हैं, जैसे कहीं कहीं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता है वो भी फेडरल कंट्री, और कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होता है वो भी एक फेडरल कंट्री है, समझ गए? तो ये केस रहता है। रीजन अब ये बताओ पावर शेयर करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि दिखती बात है कि डाइवर्स ग्रुप है तो डाइवर्स ग्रुप अपने अपने आप को अकोमोडेट कर पाए। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप जैसे देखोगे डाइवर्स ग्रुप अपने अपने इंटरेस्ट को अकोमोडेट कर पाए, इसके लिए उन्हें पावर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें पावर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज द एसेंस ऑफ पावर शेयर, दिस इज द एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग अमंग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन एज फेडरलिज्म, ठीक है। थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बेल्जियम में भी थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, सेंट्रल, स्टेट और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, मतलब उसको आप स्पेसिफिकली लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहेंगे लेकिन वहां पे भी पावर शेयर हो रही, क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, इट वॉज अ टाइप ऑफ पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इट वॉज नॉट अमंग द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, समझे? समझ गए ना, उसको लेवल में मत जोड़ो वो, क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज द पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम देखें तो दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, तो वैसे ही फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में जहां पावर शेयर हो रही है। अब श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई तो श्रीलंका में किस तरह की गवर्नमेंट थी, श्रीलंका में कैसा सिस्टम था? तो अगर जैसे हम देखें तो जब श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई तो श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द अपोजिट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कैसा अपोजिट हो गया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर नहीं होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और अगर सब यूनिट्स होते भी हैं तो सब यूनिट्स को सबऑर्डिनेट बनके जी भैया जी करके दबके रहना पड़ता है, ठीक है। तो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स और द सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो वो सब यूनिट होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं,
या फिर होता ही नहीं है मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंशिएट करने को पूछा जा सकता है, यूनिटरी को डिफाइन करने को पूछा जा सकता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करने को पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया, इसमें पावर शेयरिंग हो रही है, इसमें पावर शेयरिंग नहीं हो रही है। और इस हिसाब से जिसे अगर हम देखें, इस हिसाब से अगर हम देखें तो फेडरलिज्म का हमें मीनिंग समझ में आ गया। मतलब आपको यह समझ आ गया कि हाँ, एक कार क्या होती है, कार ये होती है कि जिसके अंदर सीट होती है, स्टेयरिंग होती है, या फिर ऐसे कह लो कि कार इज अ व्हीकल विच इज यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, ये कार की मीनिंग समझ में आ गई। लेकिन अब कार की मीनिंग के अलावा कार को और बेहतर समझने के लिए हम कार का फीचर देखते हैं कि कितने सीटर है, कितने हॉर्स पावर की है, कितने लीटर का उसका डीजल है। ठीक है, कितने, तो ये सारी चीजें फाइन, सनरूफ है कि नहीं है। तो यहां पे आप जैसे अगर आप देखोगे तो फीचर्स क्या हो गया कि फेडरलिज्म का मीनिंग समझ लिया आपने बेसिक। अब फेडरलिज्म को और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे समझने के लिए आप उसके फीचर्स पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या यहां पे ये जो स्लाइड आएगी, इस स्लाइड को एकदम जैसे नाग नागिन रहते तो अपनी आंखों में फोटो खींच लेते, वैसे इस स्लाइड के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे ना जो सीबीएसई के फेवरेट है, ठीक है, एवरग्रीन टाइप के, बार बार क्वेश्चन आते हैं, रिपीट हो के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आज हम हंसते हुए बात कर रहे हैं इस चीज पर, ये बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा और फिर मुस्कुराना, क्यों? क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके कल एग्जाम है तो उसमें भी आ जाए। ठीक है, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो फीचर्स है। अब ये फीचर्स जो आपस में इंटरलिंक्ड है, सात फीचर बताऊंगा, रटना नहीं है, इंटरलिंक्ड है। कैसे? फेडरलिज्म की डेफिनेशन से ही शुरू करो। क्या फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है? फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स, सॉरी क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड अमंग टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फेडरलिज्म का पहला फीचर हो गया। ठीक है, तो मीनिंग को ही आप पहला फीचर बोल रहे हैं, पहला फीचर आपको समझ में आ गया। अब पहले फीचर के बाद में दूसरी चीज क्या है? अब दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो अब हो क्या रहा है कि देखो कहानी बनाओ, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसके ऊपर कंट्रोल करेगी, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अगला फीचर वही क्लियर कर रहा है कि डिफरेंट टीयर्स हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स सच एज लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप देश देखोगे तो हमारा देश है, हमारे देश में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप यहां रह रहे हो। ठीक है, आप यहां रह रहे हो तो ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया में भी रह रहे हो आप, और आप जहां रह रहे हो कोई एक स्टेट भी है। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन। मैं भारतीय व्यक्ति हूं एक, ठीक है, भारतीय हूं, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में भी रह रहा हूं। ठीक है, तो मैं भारत का भी पार्ट हूं, मध्य प्रदेश का भी पार्ट हूं, मध्य प्रदेश भारत से अलग थोड़ी ना है। तो अब क्या हो रहा है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन, व्यक्ति वही है लेकिन मुझे पासपोर्ट बनवाना है तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और मुझे क्या करना है, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाना कि सर बच्चे पढ़ नहीं रहे, ठीक है, क्लास में। तो क्या होगा, तो वो मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, मध्य प्रदेश पुलिस के पास जाऊंगा। तो अब क्या हो रहा है ना कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है मेरे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दों को निपटा रही है, पासपोर्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा आया जो थ्रू आउट द कंट्री एक लेवल पे समझना होगा तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है वो। तो यहां पे वही समझना होगा कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस बट दे हैव डिफरेंट एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब दायरा जो है ना, किस चीज का दायरा जो है, लॉ बनाने का। ठीक है, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की ये जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की ये जो पावर है ये डिफरेंट डिफरेंट है, समझ गए? ये चीज होती है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen but they have different areas of jurisdiction. तीसरा पॉइंट अब देखो क्या है कि हाँ सर, दो tiers of government होना चाहिए और वो आपस में ना लड़े इसके लिए area of jurisdiction अलग अलग देता, लेकिन अगर लड़ बैठे तो इसके लिए हमने क्या करा है, तीसरा पॉइंट वही कहानी में जोड़ रहे हैं, क्या कि jurisdiction of different levels of government are specified in the constitution. तो किसका क्या area होगा उस पर लड़ाई ना करें, इसके लिए हमने specify कर दिया है। एक federal country में ये एक प्रोविजन होगा, एक फीचर होगा, ये एक फेडरल कंट्री का क्या देखने को मिल रहा है आपको, फेडरल, जैसे अगर डिस्क्रिप्शन देने को आ गया कि डिस्क्राइब अ फेडरल कंट्री, व्हाट आर द फीचर्स, तो तीसरा फीचर ये भी होगा कि जो ज्यूरिसडिक्शन, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, द पावर टू मेक लॉज है। ठीक है, टियर मतलब लेवल होता है, टियर मतलब लेवल होता है, जो पावर टू मेक लॉज है वो रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है कि कौन किसके ऊपर कानून बनाएगा। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लो मैंने आपको लिख के दे दिया कि हाँ यही पढ़ना है, नहीं पढ़े, फेल हो गए। ठीक है, तो क्या अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया आपने कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बावजूद भी अगर लड़ पड़े
सेंट्रल और स्टेट लड़ पड़े आपस में, एक दूसरे की चोटी खींचने लगे, तब क्या करोगे आप? ठीक है, तब फंडामेंटल प्रोविजन जो है ना, ये आप इसीलिए मतलब कि चीजें बदली ना जा सके, एक बार लिख दिया है तो वो पत्थर की लकीर हो जाए, पत्थर की लकीर इन द सेंस कि वो दैट शुड नॉट बी इजी टू चेंज। ऐसा नहीं है कि आज लिख दिया कल मिटा दिया, ठीक है। तो जो लिखी है चीजें फंडामेंटल प्रोविजन जो है, दे कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली, कोई बदल नहीं सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो ऐसे बहुत आसानी से नहीं बदल सकते हो, बदल सकते हैं लेकिन बहुत आसानी से नहीं। कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। जब बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बैठा रहे हो तो अगर कुछ बदलना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रजामंदी चाहिए रहेगी, ठीक है। बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहता है, ठीक है। अब अगर मान लो सारी चीजें समझ में आ गई, सर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों के एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बाद में कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट बदल भी नहीं सकती, चलो मान लिया, इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर लड़ाई हो गई तो तब क्या आएगा? तब आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक फेडरल कंट्री में डिस्प्यूट ना हो इसके लिए सारी चीजें क्या होती है, रिटर्न में होती है। लेकिन इन केस वर्स्ट केस, ठीक है, इन केस अगर लड़ाई हो गई, ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है अगर, तब सुप्रीम कोर्ट जो होता है तो एक एम्पायर की तरह काम करता है। सुप्रीम कोर्ट दोनों के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में एम्पायर की तरह काम करता है। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ द डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब ये पांचों पॉइंट की कहानी समझ में आई तो गिव मी अ थम्स अप। कहानी बनाए, दो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, अगर वो लड़ बैठेंगी किस चीज पे कि कौन किस पे पावर रहेगा, तो उसके लिए उनके डिफरेंट एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हैं। अब अगर मान लो डिफरेंट एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हैं तो भी डाउट तो रहेगा, डर तो रहेगा उन्हें, इसके लिए हमने लिख के दे दिया। अगर लिख के भी दे दिया फिर भी लड़ लिए तो हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया है, समझ गए। तो एक दो तीन चार और ये पांच, ये पांचों पॉइंट को अपन ने क्या कर दिया, मतलब लिख के भी दे दिया और उसको एक तरफ से बदल नहीं सकते, फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, और अगर चेंज कर भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये पांचों पॉइंट की कहानी बना ली। अब छठवां पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना, ज्यूरिसडिक्शन मतलब दी एरिया ओवर विच, एरिया ओवर विच, एरिया इन द सेंस मतलब एरिया लिटरल टर्म्स में जमीन वाला एरिया मत लो, जैसे ज्यूरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, तो किन किन चीज पे सुप्रीम कोर्ट लॉ बना, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन हुआ लॉ बनाने का। ज्यूरिसडिक्शन लिटरली मींस दी एरिया टू एक्ट अपॉन, मतलब आप कहां इंटरफेयर कर सकते हो, कहां पे इंटरवीन कर सकते हो, वो ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। तो अब जैसे आप देखेंगे तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है, छठवां पॉइंट, दोनों लेवल के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो क्या होते हैं, क्या होता है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब क्योंकि हो क्या रहे ना, सबको देश चलाना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पूरा देश चलाना है, स्टेट गवर्नमेंट को अपना पूरा राज्य वाला हिस्सा चलाना है, सबको गवर्न करना है। और एक चीज समझना, फाइनेंस इज द लाइफलाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, क्योंकि बिना फाइनेंस के आदमी हेल्पलेस है, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को चाहिए ना, किसी को भी काम करना है, कल को मुझे ही काम करना है, तो फाइनेंस इज द लाइफलाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वो पैसा कहां से आएगा, तो पैसा इसीलिए क्या है कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा ले सकती है टैक्स लगा के, स्टेट गवर्नमेंट कहां से ले सकती है, ताकि वो दोनों अपना अपना ऑपरेशंस को चलाए रखे, ठीक है, ठीक। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। और सेवंथ फीचर जो है फेडरलिज्म का, वो क्या है कि एक फेडरल सिस्टम जो होता है तो उसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं एक फेडरल सिस्टम के, और वो दो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक फेडरल कंट्री में जो पावर शेयर की जा रही है उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये कि वो सेफगार्ड और प्रमोट करे यूनिटी ऑफ कंट्री को। पावर आपने शेयर कर दी तो उससे क्या है कि जो आपने जिनके साथ पावर शेयर करी वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे, समझ में आया, क्योंकि उन्हें भी लगे कि यार हमारा भी कुछ हक है उसमें। तो टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि पावर शेयर करके आप जो अलग अलग ग्रुप है उन सबको पावर दे दे रहे हो, तो यूनिटी इंश्योर कर ली, और यूनिटी इंश्योर करने के साथ साथ हम देख ले कि वो अलग है लेकिन फिर भी आपके साथ है। तो फेडरलिज्म दो चीजें कर रहा है, एट द सेम टाइम इट इज सेफगार्डिंग एंड प्रमोटिंग द यूनिटी ऑफ कंट्री, अलॉन्ग विद दैट इट इज अकोमोडेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी। सो दिस इज दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। बताओ यहां तक चीजें क्लियर है, तो हमने एक बहुत बड़ा पार्ट चैप्टर का कंप्लीट कराया अभी, मीनिंग और फीचर इस पे क्वेश्चन बनते हैं। पावर शेयरिंग इन फेडरलिज्म में, देखो पावर शेयरिंग किसी भी तरह की हो सकती है, क्या कि आप पावर को डिफरेंट
ऑर्गन्स के बीच में शेयर कर रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होगी, लेकिन स्पेसिफिकली जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर कर रहे हो तो वो फेडरलिज्म होता है। ठीक है, फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। यस 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 बिल्कुल। क्या समझ नहीं आया सरफराज अली? बताओ बाबू, बताओ। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब एक बार फिर बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब बाबू सिंपल सी चीज है कि द एरिया टू एक्ट अपॉन। जैसे हम क्या कह रहे हैं, ऐसे समझना क्या हो रहा है कि मैंने आपको वो एग्जांपल बहुत सटीक दिया कि अगर मेरे घर में चोरी हो गई तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मोदी जी आओ यार जरा देखो पता नहीं कौन चोर आया था। ठीक है, तो वो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन है कि मेरे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीजों पर सेंट्रल मेरे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखे। अब वही क्या हो रहा है, वही मान लो कि देश में करेंसी छापने की बात आ रही है, अगर हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी करेंसी छापने लगे तो बस हो गया 28 देश ऐसे में, तो उसके लिए क्या यूनिफॉर्मिटी चाहिए आपको, पूरे देश में एक जैसा काम चले, तो इसके लिए आप क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देते हैं कि वो ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, द एरिया टू एक्ट अपॉन। समझ गए? आज 26 को एग्जाम है तो पढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां उलझे नहीं रहना है, सातों फीचर याद कर लेना, ध्यान से घोट के पी जाना। अब अगर हम देखें तो इस हिसाब से हमें फेडरलिज्म का फीचर समझ में आ गया। आगे बढ़े अगर तो आगे अगली चीज क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दो फेडरेशन के टाइप है। अब फेडरल कंट्री बहुत सारी होती है तो मेनली दो तरह की फेडरल कंट्रीज होती है, एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन जहां पे इंडिपेंडेंट नेशंस, यूएसए एक एग्जांपल है कमिंग टुगेदर का, कमिंग टुगेदर। ठीक है, एक दो तीन चार ये जो मल्टीपल नेशंस थे, ये मल्टीपल नेशंस थे, स्मॉलर यूनिट्स थे, ये एक साथ आए। ठीक है, ये एक साथ आ रहे, दे आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, दीज मल्टीपल नेशंस आर कमिंग टुगेदर, एक साथ आके इन्होंने क्या कर लिया, एक बड़ा यूनियन बना लिया। ठीक है, तो एक तेरा एक मेरा, ठीक है, एक तेरा एक मेरा करके इन्होंने एक बड़ा यूनियन बना लिया। तो ये जो बड़ा यूनियन बना है तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल रहेगा। अब इसमें क्या होता है ना कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थे, जिन जिन ने आके यूनियन बनाया है, उन सब के पास बराबर पावर होती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जॉइनिंग टू फॉर्म अ लार्जर नेशन, ईच स्टेट इज हैविंग इक्वल पावर, एग्जांपल हो गया यूएसए। वैसे अगर आप देखेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, कमिंग टुगेदर में एक साथ आ रहे थे, होल्डिंग टुगेदर में कोई होल्ड करके रख रहा है, कौन होल्ड करके रख रहा है, तो होल्डिंग टुगेदर में जो रहता है ना तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है स्टेट्स बना देती है और उन स्टेट्स को थोड़ा थोड़ा पावर दे देती है। पावर देने से होगा क्या, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हम यूनिटी में है, हमें भी कुछ हक मिला है। ठीक है, हमारी रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है और एट द सेम टाइम वो एक यूनियन का पार्ट भी है। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्यों, क्योंकि यहां आपको देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसने स्टेट्स को थोड़ी थोड़ी पावर दे के रखी है, कुछ स्टेट के पास ज्यादा पावर है, कुछ स्टेट के पास कम पावर है। ठीक है, तो ये होल्डिंग टुगेदर में एक स्पेसिफिक चीज क्या होती है, अनइवन पावर होती है। ठीक है, अनइवन पावर होती है। चलो बढ़िया, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि फीचर समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ फेडरेशन समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया। तो चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो थ्योरी वाला पार्ट था, मीनिंग क्या है, फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, फीचर्स क्या है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट करो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में, कमिंग टुगेदर को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है, होल्डिंग टुगेदर को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो कैसे ही पूछ लो, ठीक है, हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है। ठीक है, ये लो, चलो पोल पोल चिल्ला रहे तो ये पोल लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट इज इनकरेक्ट। अब हम अगला टॉपिक क्या देखेंगे, इज इंडिया फेडरल कंट्री, या फिर व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या हमारा देश फेडरल कंट्री है। तो अब मैंने आपको बोल दिया, एक अच्छे बच्चे की डेफिनेशन ये होती है, उसके फीचर्स ये होंगे कि सुबह टाइम पे उठेगा, ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, मतलब ट्रेडिशनल डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, कि आर्ग्यू नहीं करेगा, डिसिप्लिन रहेगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलेगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाएगा, तो ये अच्छे बच्चों की डेफिनेशन हो गई। फिर आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं, तो इसके लिए आप चेक करोगे, मैं ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, बधाई हो मैं एक अच्छा बच्चा हूं। ठीक है, तो वही चीज अब आपको लगाना है कि हमने फेडरलिज्म को समझ लिया, अब हम ये क्या देखेंगे, हमने फेडरलिज्म को समझ लिया, इज इंडिया फेडरल कंट्री, अब हम ये देखेंगे, ठीक है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री, तो हम वही देखेंगे कि जो सारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म थे क्या वो इंडिया में सेट हो रहे, इंडिया के लिए चेकबॉक्स लग रहा है, अगर सारे चेकबॉक्स लग जाएंगे तो यस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। समझ गए, अगर सारे चेकबॉक्स लग जाएंगे तो यस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। आ जाओ शुरू करें, तो ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट इज इनकरेक्ट, इनमें से
कौन सा पेयर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो इनकरेक्ट है। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेड यूनियन, क्या हो रहा है ना, देखो ये जैसे पुलिस एंड एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड करेंसी, बैंकिंग एंड करेंसी क्या है, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट क्या है अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। पुलिस एंड एग्रीकल्चर को जैसे अगर आप देखोगे तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। मैरिज एंड अडॉप्शन जो है, तो मैरिज एंड अडॉप्शन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। सॉफ्टवेयर और ट्रेड यूनियन दो अलग अलग चीज है, ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट का और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये रेसिडरी लिस्ट का है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, अजीबो गरीब है, सी ऑप्शन सी इज डिफरेंट, ऑप्शन सी इज ऑड वन आउट, तो सी इज द राइट आंसर, टाइम अप कर दिया जाए पोल पे, सी, ठीक है, आ जाओ। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, टॉपिक के सेंस समझ में ना, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ठीक है, ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, टॉपिक की सिग्निफिकेंस समझ में आई, ठीक है। पोल आया तो था, पोल नहीं आया था क्या, है? संदीप भैया स्लीप ब्रेक में चले गए थे थोड़ा सा, एक आप निकल गए आप तुरंत, ठीक है, कोई बात नहीं, एक पोल संदीप भैया के नाम बहुत सारी चीजें कर रहे होते ना, ही इज एडिटिंग वन वीडियो, तो उसमें थोड़ा सा फंस गए। चलो, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, टॉपिक समझ में आ गया था, मैंने तुम्हें जो इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक का, कि अब हमें यही देखना है कि जो हमने फेडरलिज्म को समझा क्या वो इंडिया के लिए चेकबॉक्स हो रहे हैं। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहां, तुम बोल रहे हो टू और मोर देन टू होना चाहिए, हमारे यहां थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट तो बहुत पहले से थे, अब सेंट्रल और स्टेट के बाद में अब तीसरा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तीसरा जो टीयर ऑफ गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट, वो 1992 के बाद क्या हुआ, 1992 के बाद ऐड हुआ है, ठीक है, 1992 के बाद में ऐड हुआ है, तो थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, समझ गए। तो यस, स्टेप वन चेक, फीचर वन तो चेक हो गया कि हाँ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, क्यों, क्योंकि ये वाला फीचर हमारे यहाँ ऐड हुआ है। फिर दूसरा देखें अगर, तो जैसे अगर आप देखोगे सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज है हमारे यहाँ, तो यस दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इज इंडिया फेडरल कंट्री, तो पहला फीचर तो आ रहा है। दूसरा क्या था, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाई होना चाहिए, तो अगर हम जैसे देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द थ्री लिस्ट, दूसरा फीचर यही पढ़ा था ना कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट दे हैव डिफरेंट एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, तो यहां आपको यह समझना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, इंडिया में लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कौन किस चीज पे लॉ बनाएगा, ठीक है, और उसी के चलते हमारी कंट्री में क्या है, तीन लिस्ट है, एंड दिस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो तीसरा फीचर भी फुलफिल हो रहा है क्या, कि एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट की अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट में जैसे आप क्या देखोगे, वो सारे मुद्दे आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ध्यान करते चलना, सुनते चलना, रिकॉल करते चलना, ठीक है। जो दूसरा फीचर पढ़ा था हमने कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट दे हैव डिफरेंट एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, तो यस इंडिया में भी क्या है, लेजिस्लेटिव पावर जो है एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन वो स्पेसिफाइड है, कैसे, यूनियन लिस्ट एक डाली कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें वो सारे मुद्दे होंगे जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो एक तो यूनियन लिस्ट हो गई आपकी जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये सारे इश्यूज आ जाएंगे। अब आप देख रहे हो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म लॉ चाहिए, तो जहां पे थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म लॉ चाहिए रहेंगे वो सारे मुद्दे किस में आ जाएंगे, वो सारे इश्यूज आ जाएंगे आपके यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो स्टेट लिस्ट में वो सारे मुद्दे आएंगे जिन पे लॉ बनाने का काम होगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बनाने का जिन पे काम होगा वो आ जाएंगे स्टेट लिस्ट में, ठीक है। तो पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है, ये वो मुद्दे हैं, वो इश्यूज हैं जिन पे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, स्टेट लिस्ट में आ जाएंगे। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सर दोनों ने लॉ बना दी तो किसकी चलेगी, तो इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आती है, और
जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए वो प्रिवेल करेंगे अगर कंफ्लिक्ट होता है तो इश्यूज सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारे इश्यूज कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। अब मेरी बात सुनो कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे मैंने अभी दिया एक क्वेश्चन, वो पीवाईक्यू का पार्ट है कि कौन से इश्यूज किस लिस्ट में है आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ये आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कभी कभी डिफाइन करने के जाता है कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, बताओ, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है, ठीक है, तो ये किसी भी तरह से सवाल आए बनेगा बताओ, ठीक है। तो इन तीन लिस्ट के अलावा एक चौथी लिस्ट भी होती है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम रेसिडरी लिस्ट कहेंगे, या फिर लिस्ट की जगह हम ये कहें कि रेसिडरी इश्यूज होते हैं, ठीक है, रेसिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कोशिश ये की गई कि जितने भी मुद्दे हैं उन सब पे कौन लॉ बनाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय तय कर लिया गया कि हाँ ये सारी चीजें इन पे लॉ बनाने की जरूरत होगी, यूनियन गवर्नमेंट इस पे बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इस पे बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में इसको डाल देते हैं जिसपे दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों के बावजूद अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद इमर्ज हुए, तो वो सारे सब्जेक्ट्स को रेसिडरी सब्जेक्ट कहा जाता है, और सारे रेसिडरी सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप में एक चीज है, ध्यान रखिएगा कि ऑल दोज सब्जेक्ट्स व्हिच इमर्ज्ड आफ्टर द कमिंग अप ऑफ, आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो सारे इश्यूज इमर्ज हुए उन सारे इश्यूज को क्या कहा जाएगा, रेसिडरी सब्जेक्ट कहा जाएगा, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव पावर टू मेक लॉज ऑन दोज इश्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि उन मुद्दे पे वो लॉ बना सकती है, समझ गए। चलिए तो अब जैसे देखेंगे तो हाँ, फेडरलिज्म क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यस, टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट एरियाज ऑफ जुरिसडिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, ठीक है। अब उसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, हमें ये तो सिद्ध हो गया, किस तरह का, होल्डिंग टुगेदर फेडरल कंट्री है। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरल कंट्री तो हमने क्या देखा, होल्डिंग टुगेदर फेडरल कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, हाँ हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, और साथ ही साथ क्या है, कुछ स्टेट्स के पास में ज्यादा पावर है, कुछ स्टेट्स के पास में कम पावर है, अनइक्वल पावर है, इक्वल पावर नहीं है, ठीक है। तो वो एक फीचर है जो इंडिया को क्या बनाता है, एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू सर्टन स्टेट्स, एग्जाम्पल गिवन में क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, पहले आर्टिकल 370 था, स्क्रैप कर दिया, ठीक है, तो आर्टिकल 370 के हिसाब से पहले जम्मू कश्मीर को पावर थी, स्पेशल पावर। अब अगर एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो आज भी हमारे कुछ स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आर्टिकल 371 ABCDEFG चलता रहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू सर्टन स्टेट्स बिकॉज वी आर होल्डिंग टुगेदर कंट्री, तो सम स्टेट्स हैव सम एक्स्ट्रा पावर, सो दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, फाइन। और फीचर क्या थे कि अगर इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में तो जुडिशियरी होना चाहिए, यस, ठीक है, तो फंडामेंटल जुडिशियरी भी आएगा पॉइंट। और एक फीचर ये था पहले वाला, क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड आपने पावर दे दी है, क्या भरोसा सेंट्रल गवर्नमेंट बदल दे तो, ठीक है, सेंट्रल, अच्छा एक बड़ा अच्छा करंट से एग्जांपल कनेक्ट करते हैं अपन, चलो, ठीक है, अडॉप्शन मतलब क्या होता है कि किसी को गोद ले रहे हैं ना, मैरिज एंड अडॉप्शन, शादी कर ली, बच्चे नहीं हो तो फिर गोद ले रहे हैं, तो अडॉप्शन, वो वाला अडॉप्शन, समझ गए। तो अब जैसे अगर आप देखोगे कि यहां क्या लिखा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने फीचर में पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, दोनों स्तर की जो सरकारें हैं उनकी रजामंदी चाहिए रहेगी, ठीक है। तो अब यहां पे वो ही लिखा कि फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स इज रिक्वायर्ड। अब अभी करंट में बताओ जरा, देखू मैं चैट में कितने बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, करंट में एक मुद्दा है हमारे देश में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा मुद्दा है, फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है, चलो बताता हूं, बताओ व्हाट इज द इशू राइट नाउ इन द कंट्री, टॉक ऑफ द टाउन है, वुमेन रिजर्वेशन, वेरी गुड आशय एंड कृष्णा, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, वुमेन रिजर्वेशन, ये मणिपुर भी है, सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो एग्जांपल देना चाह रहा हूं उसके कॉन्टेक्स्ट में समझो, वुमेन रिजर्वेशन। तो अब वुमेन रिजर्वेशन के लिए हमने क्या देखा कि लोकसभा से पास होना चाहिए, बिल हो गया, राज्यसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, तो वहां से भी हो गया, लेकिन अब रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं आप और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट लेवल पे भी रिजर्वेशन दोगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो स्टेट का तो इंटरेस्ट है इसमें, इस फंडामेंटल चीज होगी ना कि स्टेट की पार्लियामेंट, मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी
उस लेजिस्लेटिव असेंबली में आप विमेन को रिजर्वेशन दे रहे हो और ये लॉ कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है लॉ, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट की तो रजामंदी जरूरी है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप चेंज कर रहे हो इस अरेंजमेंट में, तो यहां पर क्या लिखा है कि आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा की मंजूरी चाहिए, राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। साथ ही साथ अभी क्या होगा, अभी 28 स्टेट्स में से एटलीस्ट हाफ प्लस वन, मतलब जब तक 15 स्टेट्स भी अपने राज्यों में वो लॉ को पास नहीं कर देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा, समझ गए? तो और मैंने देखो विमेन रिजर्वेशन का कंटेक्स्ट वाला वीडियो आपको द सोशल ब्रेन्स पे दिया है, इसका डिटेल वीडियो भी प्रॉमिस किया है, वो भी दूंगा मैं आपको पूरे प्रोविजन समझा दे हुए। तो एक एग्जांपल है कि फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आया तो। ट्रेड एंड ट्रेड यूनियन में क्या डिफरेंस है? ट्रेड मतलब जो ट्रेड हो रहा है सामान का खरीदना बेचना, वो ट्रेड वाली चीज होगी। ट्रेड यूनियन मतलब क्या है कि ट्रेडर्स की जो यूनियन बन रही है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होगा, ठीक है? Got it? हाँ, तो ये एक चीज हो गई है कि what makes India federal country? तो एक फीचर ये है कि fundamental provisions एक level of government नहीं बदल सकता है। तो यस, आपको देखने को मिल रहा है क्या कि दोनों level of government का आपको क्या चाहिए रहेगा? Consent चाहिए रहेगा। दोनों level of government का आपको consent चाहिए रहेगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है? अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट है ही, जो कि एक एम्पायर की तरह काम करता है। हमारी कंट्री में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है विच resolves the dispute between central state and local government, ठीक है? तो वो वाला फीचर भी है, तो this makes India federal country। एक पॉइंट ये भी था फेडरलिज्म का, एक फीचर ये भी था क्या कि एक फेडरल कंट्री में sources of revenue clearly specified होना चाहिए। तो that is their power to raise resources by levying taxes lies with both the level of government, central government, state level government और local government के पास भी, ठीक है? तीनों level of government के पास, में both की जगह लिख देंगे हम all, ठीक है? All the level of government जो है उनके पास पावर है कि कौन किस चीज पे टैक्स लगा सकता है। आप जो पोस्टर देखते हैं ना बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है, बिलबोर्ड टाइप के, तो वो लोकल गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि उनके ऊपर टैक्स लगाए, वहां से पैसा कलेक्ट करे एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है? तो वही है कि जो फीचर्स थे फेडरलिज्म के वो सारे इंडिया में प्रेजेंट है, एंड दिस मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आइए रिकॉल करते हैं, रुक जाओ, पोल तैयार कर लो जब तक, ठीक है? रिकॉल करते हैं, लेट अस रिकॉल ऑल दीस थिंग्स। क्या कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, 1992 के बाद में लोकल गवर्नमेंट आ गई। ज्यूरिसडिक्शन जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है? तीसरी चीज क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है, कुछ स्टेट्स के पास कम पावर है, और ये पूरा जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होने के साथ साथ में इसको यूनिलैटरली चेंज भी नहीं किया जा सकता है। अगर फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करना है तो 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ में स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए रहता है, स्टेट्स की भी हाँ चाहिए रहती है। पांचवा पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, जो अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करता है। तो एक क्या है, जुडिशियरी एक्ट एज एन एम्पायर, यस वी हैव सुप्रीम कोर्ट, एंड पावर टू लिव द टैक्सेस लाइज विद ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? समझ गए? तो दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। बताइयो, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है? इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो ये हमने समझ लिया। अब आ जाओ, एक सवाल है, बताओ, यहां तक क्लियर? बताओ, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, साफ कर दू क्या बाबू? क्वालिटी को एनहांस करो, ये सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे जाने के बाद में 240 4K में जा रहा है क्या लाइव स्ट्रीम? 1080 वाला है, फिर तो तुम कम क्वालिटी पे भी देखोगे तो भी क्लियर दिखेगा, लेटेंसी कम है थोड़ा सा। देखो 144p पे देखोगे तो शायद लेटर ब्लर आते होंगे, क्वालिटी को 240 भी कर लोगे, मैं 240 पे चला रहा हूं वीडियो तो भी दिख रहा है। पॉइंट्स की इंटरलिंकिंग दोबारा करवा दो, फीचर्स वाली इंटरलिंकिंग समझ में आई थी, तो वही फीचर्स वाली पॉइंट को इंटरलिंक करना है कि टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट की एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और ये जो पावर स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, इनको आप एक तरफ से बदल नहीं सकते हो। फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए रहेगा, साथ ही साथ हमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो इसीलिए कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है, कुछ के पास कम है, ठीक है? अगर मान लो कि ये सारी चीजों पर लड़ाई हो गई तो सुप्रीम कोर्ट है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, और लास्ट पॉइंट वो रेवेन्यू वाला, तो यस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव द पावर टू इंपोज टैक्सेस। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि ऑटोनॉमी मतलब थोड़ी सी आजादी होना,
तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कटोरा लेके खड़ी होगी कि खाने को दे दो रे सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ हमारे को पैसा मिल जाएगा क्या थोड़ा सा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली ऑटोनॉमस रहे, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत होना। इंडिया और भारत में अंतर मैंने इस पे वीडियो बनाया है, वो देखो तो सही तुम सोशल ब्रिंग्स वाले चैनल पे जाके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था असर्शन रीजन, व्हेन द स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये हो गया असर्शन। पीपल विद सिमिलर आइडेंटिटीज स्टे टुगेदर, आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज माइट राइज, ये रीजन हो गया। टाइम अप, क्या लगता है व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, ए और बी और सी में लड़ा लो, सिर्फ फोड़ दो एक दूसरे का। सक्सेशन का मतलब ये होता है, सक्सेशन का मतलब सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज, यानी कि देश से अलग भागने की टेंडेंसी, ठीक है। जैसे सक्सेशनिज्म एक समय पे कहां बढ़ गया था, बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बढ़ गया था। सक्सेशनिज्म एक तरह से आप देखेंगे कश्मीर में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सक्सेशनिज्म आज के समय में जैसे देखेंगे खालिस्तान की डिमांड बढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब एक एरिया देश से अलग होने की बात करता है तो सक्सेशनिज्म कहा जाता है उसे। खालिस्तान पे वीडियो बनाएंगे एक, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हिला डाला ना। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं, सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो रट के बना देते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, असर्शन समझो। व्हेन स्टेट्स वर फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज सम नेशनलिस्ट लीडर्स फियर दैट दिस वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, सही बात है। कुछ नेशनलिस्ट लीडर को ये लगा कि आज उंगली पकड़ाइए कल पोचा पकड़ेंगे, परसों पूरा हाथ खींच ले जाएंगे। उनको ये लगा कि एक जैसे लोगों को, एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दोगे तो वो कल देश से डिसइंटीग्रेट होने की बात करने लगेंगे, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, तो रीजन क्यों ऐसा क्यों लगा रेडर को, तो उसका रीजन भी सही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन पीपल विद सिमिलर आइडेंटिटी स्टे टुगेदर, एक जैसी आइडेंटिटी वाले लोग अगर एक साथ रहना शुरू कर देते ना तो क्या होता है, आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी, मतलब वो फिर बोलते कि हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, तुम अलग रहो, हमें अलग कर दो, वैसा आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज, अलग आइसोलेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस कारण से देश डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज द राइट आंसर, ए है इसका राइट आंसर। समझ में आया कैसे? क्यों मिया थम्स अप, समझ में आया कितने बच्चों क्वेश्चन? चलो तो अब हम आगे वही टॉपिक पढ़ेंगे, क्या कि हमने देख लिया फेडरलिज्म क्या है, हमने देख लिया इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बहुत बढ़िया बधाई हो। अब ये देखना, मैंने जो बताया ना कि वो कार खड़ी कर लेना और वो कार का ड्राइवर हो जाना, थ्योरी में इंजीनियरिंग सीख लेना, पढ़ लेना, डिग्री ले लेना, लेकिन जब ग्राउंड पे उतर के तुम वो मशीन्स को समझते हो तो वो मशीन्स की प्रैक्टिकलिटी अलग रहती है। जो किताब में पढ़ा है उसके बाद में भी ट्रेनिंग लग जाएगी तुम्हें, समझ आ रहा है? तो वही आपने थ्योरी में तो बोल दिया कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन जब फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने की बारी आई, जब प्रैक्टिस करने की बारी आई, ठीक है, जब हमने बोला कि यस वी आर अ फेडरल कंट्री, नाउ वी विल प्रैक्टिस फेडरलिज्म, तब क्या हो गया, तब रियल लाइफ चैलेंजेस, ग्राउंड रियलिटी समझ में आई। और वो ग्राउंड रियलिटी जो समझ में आई तो उस हिसाब से हमने ऑन स्पॉट निर्णय लिए, ऑन स्पॉट डिसीजंस लिए, और उन डिसीजन से ये प्रूव होता कि हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, वो पूरे पॉइंट्स से जाएंगे। यस टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट एरियाज ऑफ जुरिसडिक्शन है, डिफरेंट एरियाज ऑफ जुरिसडिक्शन जो है तो दे कैन नॉट बी चेंज फंडामेंट यूनिलैटरली और वो ब्ला 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 ब्ला, तो वो सारी चीजें एक इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है, ठीक है। तो वो व्हाट वाला सवाल था कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब यहां पे सवाल आ जा रहा है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया में क्या देखेंगे आप ये देखेंगे कि वो फेडरलिज्म इंडिया में चल कैसा रहा है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्यों है वो देख लिया, कैसे चल रहा है फेडरलिज्म वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। अगर आपको ये दोनों टॉपिक के बीच में वो आत्मज्ञान मिल गया है क्या डिफरेंस है तो गिव मी अ थम्स अप, ठीक है, चैट में, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब आगे बढ़े। डिसइंटीग्रेशन मतलब, अरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना, ये ठीक है, ओके समझ गए, आत्मज्ञान मिल गया, सब बुद्ध बन गए, ठीक है, बुद्ध बने हो ना, बुद्धू तो नहीं बने हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, तो आप जैसे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यस वी आर अ फेडरल कंट्री, बट दीज आर नॉट सफिशियंट। थ्योरी का नॉलेज होना पर्याप्त जरूरी है, और थ्योरी है पर्याप्त है, सही बात है, लेकिन उस थ्योरी को धरातल पे इंप्लीमेंट करना अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर नॉट
सफिशियंट। तो वही चीज जैसे अगर आप देखोगे तो द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री। फेडरलिज्म की रियल सक्सेस जो है वो हमारी कंट्री की वो हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से निकल के आती है कि किस तरह से हमारे लीडर्स ने फेडरलिज्म को समझा। अब समझना यहां पे तीन पॉइंटर्स आएंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट का एक पॉइंटर है, ठीक है चलो एक साथ दिखा देता हूं, लैंग्वेज पॉलिसी का और एक सेंटर स्टेट रिलेशन का, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहां पे इन तीनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किस चीज की कि हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया ना तो वो हमारे लीडर्स ने कैसे उसको संभाला है उस चीज पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की अगर बात की जाए तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो फर्स्ट पॉइंट ये अपने आप में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हाउ द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हेल्प्ड इंडिया टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म। तो हमने क्या किया, हमने जब देश आजाद हुआ राष्ट्र बनाने की राज्य बनाने की बात आई तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम स्टेट्स बनाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे। डर था जो अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, हमारे कुछ लीडर्स को डर था कि लैंग्वेज के बेसिस पे आज आपने स्टेट बना लिया कल वो देश से डिसइंटीग्रेट होने की बात करने लगेंगे। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या करा, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए। उसका फायदा क्या रहा पता है, उसका फायदा यह रहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने से चीजें और स्मूथ हुई है। क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक स्टेट। और लिंग्विस्टिक स्टेट का फायदा यह रहा, उससे इशू जुड़ा हुआ था, पहले लोगों को डर लग रहा था कि कई देश से वो स्टेट अलग होकर भागने की बात ना करने लगे, आज आपने उंगली पकड़ाई कल वो पूरा हाथ खींचने लगेंगे। लेकिन बाद में हमें ये देखने को मिला कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने से एडमिनिस्ट्रेशन आसान हुआ। मराठी बोलने वाली भाषा को महाराष्ट्र बना दिया तो वहां के लोगों का स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन मराठी भाषा में चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ लैंग्वेज पॉलिसी, दो अलग अलग चीजें। यहां स्टेट क्रिएशन की बात की जा रही थी जो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे किया, और फिर बात आ रही थी कि देश में भाषा कौन सी चलेगी। तो जब हम ये देख रहे हैं कि देश में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जा रही है तो किसी एक भाषा को आप थोप नहीं सकते हो लोगों के ऊपर, एक भाषा को थोप नहीं सकते हो। तो लैंग्वेज पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट करी है वो बहुत लिबरल लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट करी है। कैसे बहुत लिबरल लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट करी है, तो यहाँ क्लियर कट तरीके से बताया गया कि हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना लिए और जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी रही है तो वो लैंग्वेज पॉलिसी ऐसी रही है कि हमने किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। हमने किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, हमने सभी भाषाओं को समान रूप से देखा। ऑल द लैंग्वेजेस वर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। इनफैक्ट हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया। नो नेशनल लैंग्वेजेस, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी भी रखी, इंग्लिश भी रखी और स्टेट की रीजनल लैंग्वेज भी रखी। 22 लैंग्वेजेस को हमने शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है तो उस व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश का ही माध्यम दिया जाए। हिंदी इंग्लिश के अलावा जैसे अगर आप देखेंगे तो 22 भाषाएं हैं टोटल में इंक्लूडिंग हिंदी, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेज कह रहे हैं कि यू मे ऑप्ट फॉर दीज लैंग्वेजेस वेन यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि हमने लैंग्वेज के टूवर्ड बड़ी सेंसिटिव पॉलिसी अडॉप्ट करी, बेल्जियम और श्रीलंका की तरह इंपोज नहीं करी किसी एक भाषा को। अगर गवर्नमेंट हिंदी का प्रमोशन कर भी रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी लैंग्वेजेस को सप्रेस कर रही है, दूसरी लैंग्वेजेस को भी उतना ही बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज फॉर द कंट्री, समझ गए। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है। तो समझ में आया हाउ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इज हेल्पिंग टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म। एक्सप्लेन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, हाउ लैंग्वेज पॉलिसी इज हेल्पिंग अस टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, कि हमने सारे राज्यों को अपने साथ रखने के लिए किसी भी राज्य के ऊपर कोई भी भाषा थोपी नहीं है। साउथ इंडियंस चाहते हैं इंग्लिश में काम चले, इंग्लिश में चलेगा। नॉर्थ इंडियन चाह रहे हैं हिंदी में चलेगा, हिंदी में चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में चाह रहे हैं कि उनकी रीजनल लैंग्वेज में काम चले, चलेगा, ठीक है, हो जाएगा। क्या चाहिए, हो जाएगा, उस टाइप का केस है, ठीक है। तो उस टाइप का केस यहां पे देखने को मिल रहा है लैंग्वेज पॉलिसी में। थर्ड पॉइंट जो मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमने शो करी। थर्ड पॉइंट जो है जिसमें शायद आप कंफ्यूज होते हो तो कंफ्यूजन का बिल्कुल स्कोप नहीं रहेगा, सेंटर स्टेट रिलेशन। फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट के रिलेशन की तो कहानी है ना, फाइन। अब सेंटर और स्टेट के रिलेशन अच्छे हैं मतलब फेडरलिज्म अच्छा है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन खराब है मतलब फेडरलिज्म खराब है, समझ गए। तो अब हम यहां पे वही चीज समझेंगे, क्या समझेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन से फेडरलिज्म इन्फ्लुएंस होता है। अब आप यहां पे एक पॉइंट रख लो, 1990 के दशक के पहले की कहानी और बाद की कहानी। 1990s के पहले क्या होता था ना, एक लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और जिन जिन राज्यों में वही पार्टी है जो सेंट्रल लेवल पे है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले कांग्रेस थी 1947 के बाद से,
कांग्रेस रही है। अब 1947 के बाद से कांग्रेस रही है और सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस की प्रचंड बहुमत होती थी, बहुत सारे स्टेट्स में भी कांग्रेस ही होती थी। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी थी वो केरला में बनी थी, नंबूदरी पाद उस समय के चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को आंखों में खटकता था वो कैसे कि सिर्फ एक स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कैसे बन गई। तो कांग्रेस ने उस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को, शायद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट बनी थी नंबूदरी पाद ने जो बनाई थी, 19 ईयर इज नॉट प्रिसाइजली आई एम एबल टू रिकॉल, 57 या ऐसा कुछ था 1957। तो जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी ना, तो कांग्रेस क्या करती थी, जिन स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है उन स्टेट्स में गवर्नमेंट को डिसमिस करवा देती थी, प्रेसिडेंट लॉ लगवा देती थी, ये सारा काम चलता था। ठीक है, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो घी टेढ़ी उंगली से निकाला जा रहा था, समझ में आ रहा है। तो 1990s के पहले तक ऐसा ही होता था कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती थी, जो सेंट्रल लेवल की पार्टी होती थी, वो अपने से अलग पार्टीज को डराने धमकाने की कोशिश करती थी। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं होते थे, और अगर सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब सेम लेवल ऑफ गवर्न बाय दी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, तो चीजें सही चल ही रही थी, लेकिन जब अलग हो जाती थी तो रिलेशनशिप सार हो जाते थे, बिटर हो जाते थे। ठीक है, लेकिन 1990s के बाद क्या बदला कि कोई एक पार्टी की सेंट्रल लेवल पे भी दबदबा नहीं रह गया था, सिंगल पार्टी की डोमिनेंस, जैसे आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी का सेंट्रल लेवल पे क्लियर कट मेजोरिटी है। ठीक है, लेकिन 1990s का समय ऐसा था किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। 1990s के बाद क्या हुआ कि मल्टीपल पार्टीज एक साथ आने लगी। तो अगर ये कंट्री है हमारा, तो इस कंट्री में इस स्टेट की पार्टी, इस स्टेट की पार्टी, इस स्टेट की पार्टी, इस स्टेट की पार्टी, ये चारों स्टेट की पार्टीज एक साथ आई और चारों स्टेट की पार्टीज ने साथ आके गठबंधन की सरकारें बनाई, कोलिजन गवर्नमेंट बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ग्रोइंग पावर ऑफ रीजनल पार्टीज, और इससे क्या हुआ कि जो स्टेट लेवल की रीजनल पार्टीज है उनकी पावर बढ़ी, समझना, 1990s के बाद में, और वो एक साथ आई और तब सरकार बनी सेंट्रल लेवल पे। तो अब सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो रीजनल लेवल की गवर्नमेंट से मिलके बनी है, रीजनल पार्टीज के सहयोग से सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनी है, समझ रहे हो। तब सेंटर और स्टेट दोनों में अच्छा काम चलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि इन स्टेट्स की रीजनल पार्टीज ने ही सपोर्ट दिया मुझे, तभी तो गठबंधन की सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट तभी तो बनी है। एक पार्टी की मतलब कह सकते हिम्मत नहीं थी कि वो सरकार बना पाए, तो मल्टीपल पार्टीज कमिंग टुगेदर टू सिक्योर द मेजोरिटी, और उससे क्या हुआ, कोलिजन गवर्नमेंट बनी, समझ गए, गिव मी अ थम्स अप। तो दिस प्रूव्स व्हाट, दिस प्रूव्स कि सेंटर स्टेट रिलेशन से फेडरलिज्म इन्फ्लुएंस हुआ है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, या फिर कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इन इंडिया हैज गॉन थ्रू टू डिफरेंट फेसेस डिपेंडिंग ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो एक 1990s के पहले का स्टोरी और एक 1990s के बाद की स्टोरी, दोनों समझ में आई है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, पूरे चैट सेक्शन में अंगूठे अंगूठे हो जाना चाहिए, काट के लगा दो, क्या बन जाओ तुम, एकलव्य बन जाओ, समझे। ठीक है, चलो क्लियर है, बढ़िया। तो दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तीन पॉइंट्स बड़ा क्वेश्चन बन गया, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तीनों छोटा छोटा करके लिखेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, या फिर छोटा क्वेश्चन बन गया स्पेसिफिकली लिंग्विस्टिक स्टेट समझाओ, लैंग्वेज पॉलिसी क्या अडॉप्ट कर इंडिया ने समझाओ, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे इवॉल्व हुए इन कंटेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म समझाओ, कुछ भी पूछ ले, सब समझा देना, सब पता है तुम्हें, क्योंकि ठीक है। आ जाओ, एक पोल आ गया, 1965 की एक स्टोरी एक्सप्लेन कर दीजिए हिंदी वर्सेस इंग्लिश। हाँ, मतलब पहले ऐसा था कि इंग्लिश को एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज 10 साल तक ही चलाएंगे, लोगों को लगता था हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन फिर जब इंग्लिश को डिसकंटिन्यू करने की बारी आई ना, तो साउथ स्टेट्स ने, जो सदर्न स्टेट्स थे, उन्होंने रजिस्ट करा, उन्होंने बोला नहीं हम हिंदी नहीं चाहेंगे, हम इंग्लिश को भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वही शो करी हमारे लीडर्स ने, क्या फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में, बोलते चलो हिंदी के साथ इंग्लिश भी चलने दो, समझ गए। आ जाओ भाई साहब इस सवाल का जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, लोकल गवर्नमेंट जो है उसका एडवांटेज क्या है। और मैं इतनी पिटाई लगाऊंगा, सही हो जाओगे अगर इस क्वेश्चन को गलत, ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया, और जो मुझे दिख रहा है बढ़ता हुआ आंसर, ऑप्शन पढ़ लो जरा अच्छे से, इंग्लिश हिंदी मीडियम से हो क्या, शब्द समझना होगा, देखो वही तो गड़बड़ हो जाती, कभी कभी हम शब्द नहीं समझ पाते। सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पर लोगो चेंज कर दीजिए क्योंकि पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो उसका अपन
ब्रांड बनाना है अपने को उसको, उसका लोगो डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन करो, तुम बताओ मुझे कि क्या लोगो हो सकता है, एक लोगो मेकिंग कॉम्पिटिशन रख ले तो कैसा रहेगा बताओ। देखो मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा है, तो ना मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है, ना मेरे पास बहुत वैसी पावर है कि मैं लोगो बनवा लूं किसी से। बनाओ जरा लोगो डिजाइन करो, एक लोगो मेकिंग कॉम्पिटिशन रखते, चलो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस कि हमारा हमारा जो ब्रांड बनेगा द सोशल ब्रेन्स, उसका लोगो क्या होना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि लोगो बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखना होगी, ठीक है। एक मीनिंग होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, ठीक है, इजी टू ड्रॉ या फिर प्रिंट होना चाहिए। अब लोगो में 17 रंग रंग बिरंगे बना देंगे तो उसमें दिक्कत होती है, चलो उस पर बाद में बात करेंगे, फिर मैं उसका फिर वो लोगो बना दूंगा, ठीक है। चलो आंसर क्या है इसका, चलो टाइम अप, क्या दिया भैया मेजोरिटी बच्चों ने, बी दिया है, मुर्गा बन जाओ सब, ठीक है। क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज, बी क्यों लगा रहा हूं, इट हैज अपरूटेड द डेमोक्रेसी। अपरूट करने का मतलब क्या होता है जानते हो, उखाड़ के फेंक देना। क्या लोकल गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को उखाड़ के फेंका हमारे देश में, इधर आओ सामने तो मिल जाते हैं, मैं मार मार के तो मैं पीट के दो टुकड़े कर देता हूं, ठीक है। द राइट आंसर इज ए, क्या है, इट हैज डीपेंड द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। लोकल गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी को डीपली हम पेनिट्रेट करवा पाए, लोकल लेवल तक, गांव के एक व्यक्ति तक हम लोकतंत्र को पहुंचा पाए। अच्छा डी किया है तो, डी किया है तो फिर तुम तो अलग ही लीग में हो, जिन बच्चों ने डी कर दिया ना तुम ऐसा ऐसे मुंह घुमा लो और ऐसे दीवार में मार लो, ठीक है। None of the above कर दिया, इट हैज डीपेंड द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। अपरूटेड द डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को उखाड़ के फेंक दिया। क्या क्या गुंडा बनोगे तुम, और डिपेंडेड हो गया, स्पेलिंग गड़बड़ है। स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा इस कारण गड़बड़ हो, चलो तो व्हाइट बॉल कर देते हैं, ठीक है। डिपेंडेड नहीं है, डिपेंड, डिपेंड, आप समझ गए, हाँ तुम्हारी गलती है बस, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। अब लेकिन चलो यार, डिपेंड, डिपेंड दी डेमोक्रेसी की जगह तुमने डिपेंडेंट देख लिया, लेकिन अपरूटेड तो समझ आता होगा ना, पढ़े लिखे गवार की तरह बात कर रहे हो। डीप ईडी नहीं आएगा, डिपेंड, डिपेंड दी डेमोक्रेसी, डिपेंड, रॉन्ग बॉल, व्हाइट बॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, अगला टॉपिक, ठीक है। यहां तक क्लियर है, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आ जाओ, डी अरे डीपेंड का मतलब, डीप मतलब क्या होता है, गहरा, तो उससे डेमोक्रेसी और मजबूत हुई है, डेमोक्रेसी की जड़ें और मजबूत हुई है ऐसा, ठीक है, ठीक। तो लेट अस बिगिन नाउ, आगे बढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो हमने व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, दो चीजें समझ ली। अब तीसरी चीज हमारी जो आ रही है हमारे सामने, वो तीसरी चीज आ रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे हमने कहा टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, तो हमारे यहाँ मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। तीसरी टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, वो 1992 में आई, ठीक है। पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट पहले भी थी, लेकिन 1992 में लोकल गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, सशक्त कर दिया गया, एम्पावर कर दिया गया, ठीक है। मीनिंग बताता हूं मैं आपको, ठीक है, मीनिंग डिसेंट्रलाइजेशन का बता रहा हूं, उसके पहले नीड समझ लो। क्या हो रहा है ना कि लोकल गवर्नमेंट को ही डिसेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को जब पावर दी तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा हमने, ठीक है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा हमने। अब ये बताओ कि ये जो लोकल गवर्नमेंट को पावर दी, तो ये पावर देने की जरूरत क्यों थी। अब मोदी जी वहां बैठ के ये नहीं बता पाएंगे कि किस गांव में किस चीज की जरूरत है। एक पॉलिसी बना दी कि सबको पानी दे दो, पानी की व्यवस्था करो हर गांव में, और एक गांव है जो गांव नदी के किनारे बसा है, लोग वहां बोलते हैं कि पानी तू मान जा, हमारे घर कम आ, हर कभी पानी बाढ़ आ जाती है और नदी में इतना पानी, इतना पानी, तो उस गांव में पानी की जरूरत ही नहीं। वहां आप ट्यूबवेल लगवा रहे हो, क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दी कि हर गांव में ट्यूबवेल लगेंगे, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है।
क्या हो रहा है ना कि लोकल प्रॉब्लम्स कैन बी बेस्ट टैकल्ड एट द लोकल लेवल, ठीक है, द लोकल पीपल नो व्हाट टू टेक, व्हिच डिसीजन टू टेक एंड हाउ टू टेक एंड व्हेन टू टेक, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या कह सकते हैं आप लोकल पीपल इन डिसीजन मेकिंग विल एम्पावर देम, ग्रासरूट डेमोक्रेसी मजबूत होती है, तो इस कारण से क्या है कि लोकल लेवल पे पावर शेयर करना जो होता है, लोकल लेवल पे जो पावर शेयर करना होता है उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, सेंट्रल और स्टेट से पावर लेके लोकल लेवल पे पावर देना डिसेंट्रलाइजेशन है, और डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है ये समझ में आ गया, गिव मी अ थम्स अप, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या वो थोड़ा सा आगे ये बनते हैं इसके एडवांटेज क्या है, तो वो नीड और एडवांटेज एक ही चीज हो गई हमारी, ठीक है, कि लोकल पीपल नो हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, देयर इन्वॉल्वमेंट विल एम्पावर देम, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंप्रूव होगी, ठीक है, दे नो हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, ये सारी चीजें, ठीक है, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री, इसका मतलब ये होता है क्वाजी फेडरल मतलब कि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो हमारे यहाँ सेंट्रल के पास थोड़ा ज्यादा पावर है, तो एकदम ट्रू फेडरल कंट्री नहीं है कि सारे स्टेट्स के पास बराबर पावर है, सेंट्रल के पास थोड़ी ज्यादा पावर है, इसके लिए हम क्या कहते हैं टिल्टेड फेडरलिज्म है, क्वाजी फेडरलिज्म है, समझ गए, इसीलिए इंडिया को क्वाजी फेडरल कहा जाता है, क्वाजी मतलब एकदम जैसे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती है, तो क्या होता है जो जागो ग्राहक जागो वाले कंज्यूमर फोरम होते हैं तो वो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है, मतलब वो पूरा कोर्ट नहीं है लेकिन कंज्यूमर कोर्ट है, तो थोड़ा सा काम वो भी कर रहे हैं निर्णय देने वाला लेकिन पूरी तरह से कोर्ट नहीं है ना, तो क्वाजी मतलब क्या है आधा थोड़ा सा वैसा, ठीक है, तो अब अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, क्यों जरूरत थी, क्या फायदे हैं वो बता दिया मैंने आपको, सवाल आता है यहाँ पे मीनिंग में और इस तरह से इसमें, तो अब हमारी कंट्री में किया क्या गया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, अलर्ट, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए किया क्या गया ये सवाल बनेगा, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, तो 1992 में, डिसेंट्रलाइजेशन पहले भी था लेकिन 1992 में क्या बोलते हैं कंक्रीट स्टेप उठाए गए, संविधान में संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया गया और ये सारी चीजें की गई है, सबसे पहले अब क्या कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन इन 1992 इन टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, व्हाट वर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मेड इन आवर कंट्री 1992, ठीक है, टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, सवाल क्या होता है बहुरूपिया, वो किसी भी रूप में आ जाए कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, तो क्या किया गया 1992 में, क्वेश्चन बनता है पांच पॉइंट में आप लिखेंगे, पांच नंबर का क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले तो क्या बोल दिया गया अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी होगा कि इलेक्शंस करवाओ, पहले क्या होता है इलेक्शन हो गए 15 साल तक इलेक्शन ही नहीं हो रहे, वो एक ही सरपंच 15 साल तक घूम रहा है, उसने सोच लिया क्या कि मैं सरपंच नहीं हूं मैं इस गांव का राजा हूं, क्यों, क्योंकि अब इलेक्शन अगले होना नहीं तब तक मैं ही सरपंच रहूंगा, बस अजर अमर सरपंच हो गए, उस टाइप की कहानी हो जाती थी, तो अब ये मैंडेटरी करवा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया कि एक रेगुलर इंटरवल पे आपको क्या करवाना होगा, रेगुलर इंटरवल पे आपको क्या करवाते रहना पड़ेगा, इलेक्शंस करवाते रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर एसटी एससी एंड ओबीसी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व कर दी, ठीक है, कि लोकल लेवल पे भी सीट्स रिजर्व होगी। अब तीसरी चीज, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई, ठीक है, 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई, और यही वुमेन रिजर्वेशन वाला जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सिर्फ लोकल लेवल पे 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व थी, अब क्या बोला जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, और उसी के लिए वो जो बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में जो कि अब लॉ बनने वाला है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, ठीक है, अधिनियम, तो वो जो है वो क्या है स्टेट और सेंट्रल लेवल के लिए है, वैसा पहले ही 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जब लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा था तो ये अमेंडमेंट्स लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी होगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई है, विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी, क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन किया गया, ठीक है, अब देखो क्या है, इलेक्शन कमीशन था जो सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के इलेक्शन करवाता था, अब एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, कंफ्यूज मत होना, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा लोकल लेवल के इलेक्शन करवाना, स्टेट लेवल के इलेक्शन तो जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो करवा ही रहा था, हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया और उस स्टेट के अंदर जितने भी लोकल लेवल के इलेक्शन होंगे उनको कंडक्ट करवाने का काम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का। और पांचवा पॉइंट जो है अगेन वो क्या है कि बिना दांत के शेर नहीं होते,
ठीक है, तो वही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा भी देना पड़ेगा, किसको पैसा भी देना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट को। अब पावर दे दोगे लेकिन पैसा नहीं दोगे तो लोकल गवर्नमेंट कैसे अपना घर चलाएगी, समझ रहे हो। तो दी स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में पावर शेयर करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सो दीज वर दी चेंजेस, दीज वर दी स्टेप्स टेकन इन 1992। गिव मी अ थम्स अप नाउ, समझ में आया कि क्या कदम उठाए गए थे, क्या कदम उठाए गए थे, क्लियर है, ठीक है, क्या कदम उठाए गए थे। तो ये पांचों चेंज थे और इन पांचों चेंजेस के बाद में दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनी है। अब ये दोनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट एक बार में समझा रहा हूं, अच्छे से समझ आएगा, देखो बेहतरीन। दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट बन गई। पीडीएफ में एमसीक्यू क्यों नहीं होते हैं, एमसीक्यू भी चाहिए पीडीएफ में, वो तो ऐसे ही खेलने के लिए लगाए थे। एग्जाम पैक वाले पीडीएफ में बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। चलो तो अब अगर हम एक कदम आगे बढ़े और थोड़ा सा, तो अब अगर हम, अगर कोलिजन गवर्नमेंट में कंफ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा, गठबंधन टूटा, सरकार गिरी, और हुआ है बहुत बार कि अब दो चार पॉलिटिकल पार्टीज है, दो पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं बन रही आपस में, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सपोर्ट हटा लिया, सरकारें गिर जाती हैं, ठीक है, कपड़े झटक के फिर खड़ी होने की कोशिश करती है, फिर मतलब किसी और के साथ फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। ऐसे ही तो होता है ना, जैसे मान लो क्या हो रहा है कि जीतने के लिए अगर 50 सीट चाहिए और 50 सीट चाहिए और एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 20 है, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 20 है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास में 5 है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास कैसी है 4 है और 3 है, इस टाइप से है। तो फिर गठबंधन ऐसे बनाए जाते हैं कि ये दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों एक साथ आ गए, इन्होंने ये पांच और ये चार वाली टीम को मिला लिया। अब मान लो ये चार हट गए तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी ये पांच को साथ लेके तीन को जोड़ने की कोशिश करेगी अपने साथ। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं ऐसे ही गठबंधन की सरकारों में, क्या है, जोड़ घटाव किया जाता है, ठीक है। आ जाओ अब लास्ट टॉपिक से इनको अच्छे से पढ़ो जरा, रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ तो उससे क्या है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बना। शहर के लिए जो बना उसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहा गया, गांव के लिए जो बना उसे रूरल लोकल गवर्नमेंट कहा गया। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम भी कहा जाता है, फटाफट, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, तो एक गांव है, उस गांव में क्या बनेगी, ग्राम पंचायत बनेगी। ग्राम पंचायत कैसे बनेगी, तो गांव के वोटर्स जो है अडल्ट वोटर्स वो वोट देंगे और वोट देने के बाद में पंच और सरपंच को चुनेंगे, ठीक है, समझ में आया। ग्राम पंचायत क्या है, जहां पे गांव के जो वोटर्स हैं वो वोट देके अपने पंच और सरपंच को चुन रहे हैं, वो ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में एक बॉडी और होती है जिसे ग्राम सभा कहा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक बार में कंफ्यूजन खत्म करना है, एक बार में समझा दूंगा अच्छे से। क्या हो रहा है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्र में होती है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द विलेज लेवल एंड गोज अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। गांव किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ना, तो गांव से लगा के गांव मिलके ग्राम पंचायत और बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलके मंडल परिषद, सारे मंडल परिषद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हैं जिला परिषद, तो गांव से लगा के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उठता है। गांव के लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत क्या है, एक गांव की एक ग्राम पंचायत, दो छोटे छोटे गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत भी बनाई जा सकती है। तो ऐसे ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में वोटर्स जो रहते हैं अडल्ट वोटर्स वो वोट देके अपने पंच और सरपंच को चुनते हैं, पंच सरपंच का चुनाव हो गया, उसके बाद में एक और बॉडी जो रहती है वो रहती है ग्राम सभा। तो जितने वोटर्स है ना, सारे वोटर्स को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो सारे वोटर्स की बॉडी को क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। समझ में आ गया, द बॉडी ऑफ ऑल द अडल्ट वोटर्स, ऐसी वाली बॉडी नहीं, ठीक है। तो यहां आप क्या देख रहे हो, द बॉडी ऑफ ऑल द अडल्ट वोटर्स, मतलब सारे अडल्ट वोटर्स व्हेन दे कम टुगेदर दे फॉर्म ग्राम सभा। और ग्राम सभा क्यों बनाई जाती है, कि ग्राम सभा की मीटिंग होती है। जैसे आप ऐसे समझ लो, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर जो है तो प्राइम मिनिस्टर को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल उनकी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का है, जितने भी एमपीज हैं, तो सारे एमपीज एक साथ मिलके क्या बनते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं। तो वैसे ही आपको समझना कि यहां पे क्या है, यहां पे डायरेक्ट सारे वोटर्स ने चूज कर लिया किसको, पंच सरपंच को। और सारे वोटर्स कभी कभी, जैसे साल में एटलीस्ट दो बार मीटिंग होना चाहिए ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो उसमें पूछते हैं गांव के लोग सारे वोटर कि हमने तुम्हें चुना है, तुमने क्या कराया, हमने तुम्हें चुना, कहीं तुमने हमें चूना तो नहीं लगा दिया, तो पूछते हैं कि क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो। तो ग्राम सभा की ऐसी मीटिंग होती है जिसमें सारे अडल्ट वोटर्स जो होते हैं वो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, समझ गए, सारे अडल्ट वोटर्स जो होते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा कौन से लेवल पे, तो ग्राम पंचायत के लेवल पे ही होती है, समझ में आ गया, उसका कोई लेवल नहीं है वो, तो सारे वोटर्स की बॉडी को आप क्या कहते हैं, सारे वोटर्स की बॉडी को आप ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम सभा के लोग मिलके क्या करते हैं, पंच और सरपंच को चूज करते हैं
और उससे ग्राम पंचायत बनती है। अब आ जाओ सेकंड लेवल पे, तो कुछ ग्राम पंचायतें, जैसे ये ग्राम पंचायत थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो कुछ ग्राम पंचायतें मिलके क्या बनाती है, पंचायत समिति। पंचायत समिति को ब्लॉक भी कहते हैं और उसी को मंडल भी कहते हैं। तो कुछ ग्राम पंचायतें या फिर पंचायत समिति मिलके क्या बनती है, ब्लॉक, ठीक है, मतलब कुछ ग्राम पंचायतें मिलके क्या बनती है, पंचायत समिति कह लो या फिर ब्लॉक कह लो या मंडल कह लो, एक ही नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी पंचायत समिति बन गई या फिर ब्लॉक बन गया, मंडल बन गए, हाउ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ फ्यू ग्राम पंचायत्स, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल लेवल इज फॉर्म। तो मेंबर्स ऑफ द इलेक्ट, मेंबर्स जो रहते हैं पंचायत समिति के, दे आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो यहां के पंचायत मेंबर जो थे ग्राम पंचायत के, पंच सरपंच चूज करते हैं किसको, हर स्टेट में अलग अलग रहता है, और ये, ठीक है, पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल के मेंबर्स को, ठीक है, मंडल के मेंबर्स चूज हो गए, ठीक है। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मंडल्स होंगे या पंचायत समिति होंगी या ब्लॉक होंगे ना, जैसे मान लो दो ब्लॉक थे, तो उस डिस्ट्रिक्ट के दोनों ब्लॉक मिलके क्या कहलाते हैं, जिला परिषद कहलाते हैं, जिला परिषद, ठीक है। अब जिला परिषद के मेंबर्स को कौन चूज करेगा, तो दिखती बात है कि यहां जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिला परिषद के मेंबर को चूज करेंगे, ठीक है। तो जिला परिषद में एमपीज और एमएलएज जो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल्स रहते हैं, वो भी जिला परिषद की मीटिंग में बैठ जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गई ना चीज, ठीक है, मीटिंग में बैठ जाते हैं, बाकी जिला परिषद की जो बॉडी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की रूरल लेवल पे काम करने वाली हाईएस्ट बॉडी हो गई है, ठीक है। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड, और जिला परिषद का जो पॉलिटिकल हेड होता है, जैसे यहां पे ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहा जाता है, सरपंच, ठीक है, वैसे ही जिला परिषद के पॉलिटिकल हेड को जिला परिषद चेयरपर्सन कहा जाता है, ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है, समझ गए। तो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था। कोई डाउट, एक बार और रिकॉल करवा दूं क्या, कि ग्राम पंचायत होती है, सारे एडल्ट वोटर्स की बॉडी को ग्राम सभा कहा जाता है, ग्राम सभा के लोग तय करते हैं पंच और सरपंच को चुनेंगे। अब कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनती है, पंचायत समिति जितनी भी एक जिले के अंदर, वो सारी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनती है। जिला परिषद का हेड जो होता है वो कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है। सिमिलरली क्या है कहानी, सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज आल्सो, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी अर्बन एरिया के लिए भी होती है। हमने क्या देखा, लोकल गवर्नमेंट मतलब दो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट को आप दो विंग्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। एक विंग जो होगा लोकल गवर्नमेंट का, वो एक विंग कौन सा होगा, लोकल गवर्नमेंट का एक विंग जो होगा वो आपका हो गया रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो मैंने आपको भी बता दिया, और शहरों में एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगा। अब शहर भी क्या होते हैं, देखो शहर को भी, जैसे अगर आप देखोगे ना, तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज, विच इज नोन एज अर्बन लोकल बॉडीज या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब शहर भी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो जो टाउन टाइप की सिटीज होते हैं, तो टाउन में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है, नगर पालिकाएं होती ना, तो नगर पालिकाएं होती है, तो नगर पालिकाओं का जो हेड होता है उसे म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है, ठीक है। तो टाउन में म्युनिसिपैलिटीज होती है जिसे म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है, ठीक है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड, म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रहती है, बड़े बड़े शहर में रहती है, बिग सिटीज, बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, समझ गए। छोटे टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज होती है, म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बड़े शहरों का जो पॉलिटिकल हेड होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है, उसका नाम होता है मेयर, उसका नाम होता है मेयर। समझ में आ गया, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, समझ में आया। तो गिव मी अ थम्स अप, व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, गांव के लेवल पे काम करती ग्राम पंचायत, ठीक है। मेरा फोन कौन सा है, उसका क्या करोगे तुम, अचार डालोगे क्या, सवाल पूछो, मैं जरा बताना फटाफट, क्या बोलते हैं, सामने लिखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर, ठीक है। डिलीटेड नहीं है भैया, पढ़ना ही है, ठीक है। वाय हिंदी इज आवर सेकेंड लैंग्वेज इन केवीएस, तो आप देखो, अगर आप कहाँ रह रहे हो, किस स्टेट में रह रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टेट्स में सेकेंड लैंग्वेज वहां की रीजनल लैंग्वेज रहती है, ठीक है।
ठीक है ओके बढ़िया। Why Constitution recognizes India as the Union of States? क्यों? क्योंकि मतलब आप जैसे देखोगे ना तो भारत जो बना है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 ठीक है। तो इंडिया मतलब वो अपना फेडरल नेचर दर्शाने के लिए कि यस वी आर अ फेडरल कंट्री ठीक है। तो कमिंग अप ऑफ द स्टेट से नहीं बना इंडिया लेकिन वी आर अ फेडरल कंट्री देयरफॉर वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है। हम सेंट्रल पावर नहीं है पूरी हमारे पास स्टेट्स है वो दर्शाने की यस की वी आर अ फेडरल कंट्री ठीक है। अब अगर हम जैसे देखें तो लास्ट टॉपिक जो है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है ना तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे यहाँ लाखों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सरपंच हैं ठीक है पंच हैं जिला परिषद चेयरपर्सन है तो ये लाखों की गिनती में है इतने देशों की पॉपुलेशन नहीं होती जितने हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं ठीक है। और उससे कहीं ना कहीं ग्रास रूट डेमोक्रेसी और डीप हुई है ठीक है। दिस हैज डीपेंड दी ग्रास रूट डेमोक्रेसी ठीक है। दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकिन एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी हैं जैसे देर आर नाउ मतलब अचीवमेंट यही बताया गया कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑल ओवर द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला लोकल गवर्नमेंट को उससे डेमोक्रेसी और डीपेंड हुई है ठीक है और ज्यादा मजबूत हुई है गहरी हुई है। लेकिन आप जैसे देखोगे कि एक ये फायदा भी है कि इससे वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है। क्या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन में आपको समझ में आता है कि 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है। तो दीज आर दी एडवांटेजेस या फिर अचीवमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकिन एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी हैं। और वो चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस ये है कि वो ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती बराबर वुमेन को रिप्रेजेंटेटिव तो बना दिया आपने लेकिन वुमेन के जैसे आपने वो पंचायत वेबसाइट देखी है प्रधान जो थे तो सरपंच पति का कंसेप्ट चल रहा है कि सरपंच उनकी बीवी है लेकिन निर्णय सारे हस्बैंड ले रहे हैं। तो वो भी क्या है वो भी एक चैलेंज है कि अभी माइंडसेट नहीं लोगों का ऐसा हुआ कि विमेन के हाथ में स्टेयरिंग दे दे वो ठीक है। तो क्या हो रहा है ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली सिग्निफिकेंट पावर और रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हुए अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को ठीक है। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बट लुकिंग ऑन द पॉजिटिव एंड द ऑप्टिमिस्टिक साइड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बड़े अचीवमेंट्स हैं ठीक है। सो दिस वॉज द होल चैप्टर ठीक है। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट मजा आया थोड़ा लंबा हो गया चैप्टर है ना शायद मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया तो ये चैप्टर एक तरह से डिटेल में ही कंप्लीट हो गया ठीक है। करप्शन प्लेयर रोल इन फेडरलिज्म मतलब ऐसे डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो इंडिया के टाइम पे भारत वर्ड यूनाइट करने के लिए यूज किया गया था भारत माता नहीं ना कि इंडिया ऐसा क्यों मतलब लोग ज्यादा एसोसिएट कर पाते थे ना भारत माता की जय बोलने इंडिया माता की जय जम नहीं पा रहा है लोग उस समय पे लिटरेसी लेवल कम था लोग भारत नाम से ज्यादा बेहतर जानते थे तो इसके लिए ठीक है। खत्म करें डन बस ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्लास के तुरंत बाद में मैं आपको क्या दे रहा हूं क्लास के तुरंत बाद में मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं। मिलते हैं 8:45 पे क्लास 9th तब तक हंसते रहो मुस्कुराते रहो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं क्या बोलते हैं आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट ठीक है। कल मिलेंगे अपन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के साथ में ठीक है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल थैंक यू वेरी मच।